बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पर लेटा हुआ था, धूप काफ़ी अच्छी लगी हुई है, ठंडी हवा भी चल रही है, तो काफ़ी सुकून मिल रहा था यहाँ पे लेट के। ऊपर से आज है भी संडे है, कोई काम नहीं है। तो अभी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अभी ये सामने मेरे ये सारे अपना दाना वगैरह खा पी के सारे सुकून से बैठे हुए हैं। तो आज का जो सब लोग है वो मनना है कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने चूज़े लाने थे उसके लिए, क्या नाम उसका यार, एक तो उसका नाम भूल जाता है मुझे, शान के लिए चूज़े लाने थे। तो वो मैं मार्केट में गया था तो नहीं मिले। तो अब मेरा वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ना वो बटेर देखे थे, वो जो से छोटे से नहीं होते बटेर, वो देखे थे। तो मेरा जो सा है ना कि जाके दो या चार बटेर लेकर आते हैं तो वो ही उसे दे देते हैं, तो शायद खुश हो जाए वो बटेर देख के। ठीक है, तो अभी जाएंगे उसके लिए बटेर लेकर आता हूँ, तीन या चार लेकर आऊँगा। तो वो मैंने सुना जैसे ये देसी बटेर होते हैं ना, ये उड़ने वाले भी होते हैं, जैसे फार्मी होते हैं वो नहीं उड़ते। तो उससे पहले जाके पूछेंगे या फार्मी लेकर आएंगे या देसी। ठीक है, अगर देसी लेकर आए वो तो काबू नहीं आने, ठीक है फार्मी लेकर आएंगे ताकि वो अंदर खुले भी रहें तो पकड़ने में आसानी हो। मुर्गी ने कल अंडा दिया था, आप सब ने व्लॉग देखा होगा, पहला अंडा दिया था। लेकिन अभी तक इसने, अभी तकरीबन 11-12 बज गए हैं, अभी तक इसने तो अपना अंडा नहीं दिया। शायद ये मुर्गियाँ होती हैं कोई जो रोज़ाना अंडा देती हैं, कोई होता है एक दिन छोड़ के एक दिन देती हैं, कोई मुर्गी होती है जो क्या कहते हैं उसे दो दिन छोड़ के अंडा देती हैं। तो जो सी अच्छी असील, जो सी मैंने सुना ना अच्छी असील मुर्गी जो सी होती है ना वो देती है तकरीबन 10 से 12 अंडे देती है, उसके बाद कूड़क हो जाती है। इसने एक पहला अंडा उतार दिया, ठीक है अब देखते हैं ये कितने अंडे देती है, फिर उसी हिसाब से फिर हम इसको कूड़क करेंगे। कूड़क तो खुद ही हो जाएगी, हम कूड़क पर बिठाएंगे इसे। जी हमारे शामू, इन्हें मैंने सुबह अंडा खिलाया था, अब मैंने अभी इन्हें फीड डाली है, फीड अपनी खा रहे हैं। इसे मैंने बंद किया हुआ था ताकि वो अपनी फीड स्पून से खा लें, उन्होंने फीड ख़त्म कर ली है अपनी, तो अभी इसे भी खोल देते हैं। और उसका मसला था वो मुझे अभी भी ना थोड़ी थोड़ी सुस्त नज़र आ रही है। इसे तो मैंने पिला दिया, सबको पिलाई है, ठीक है इन दोनों को नहीं, कि इन्हें भी पिलाई है और बाहर वाले जो से हैं ना उन सबको पिला दिया। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर धूप वगैरह लगेगी इन्हें तो ठीक हो जाएंगे। शाम हो गई है, इन्हें बंद किया तो इनको सर्दी लगी हुई है, अभी इनको जब बंद किया तो इसके आगे भी कोई, आज से मैं ना इसको भी कवर कर दिया करूँगा इसी एरिया। यार वो चूज़े मैं गया था मार्केट लेने तो वो बीमार थे, तो मरे आधे मरे हुए थे आधे बीमार थे, तो वो इधर लेके आते, उन्होंने रात भी नहीं निकालनी थी, उन्होंने मर जाना था। तो अब फिर क्या करें हैं बताओ ना, उसके वो अभी है नहीं है मार्केट में, उसके अलावा बता क्या लेना। अभी मैं दोबारा इन्हें कवर करने आया था तो इसने ये देखें वो एक और अंडा दे दिया, आज इसका दूसरा अंडा हो गया। कल दिया, पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने, कल पहला अंडा था और दूसरा आज दिया इसने। कौन पकड़ेगा अंदर से कैसे, अगर मुर्गी बाहर आ गई फिर चलो चेक करते हैं आज। चलो पकड़ अंडा, मुर्गी ने बाहर आ जाना, मुर्गी बाहर निकाल लो ना, मुर्गी को पकड़ो पकड़ लो पकड़ लो, छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, पीछे हो जाओ मैं अंडा पकड़ता हूँ। ऐसे ही अंदर जाना पड़ेगा, ये जी एक और अंडा आ गया, छोड़ना नहीं है, ये अंडा पकड़ो, मुर्गी के दो अंडे हो गए हैं इस टाइम, मैं मुर्गी के केज के अंदर बैठा हुआ हूँ और मुर्गी इसने पकड़ी हुई है। इसको वापस अंदर छोड़ दो और ये बाहर निकाल, बंद कर दो। ये लें जी हमारी मुर्गी के दो अंडे हो गए हैं, अब देखते हैं कितने अंडे देती, कितने अंडे देगी मुर्गी, कितने वाले, कितने हैं, 5, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 50 तो भी मत देने, अब आज दे
चलें जी, अंडे यहाँ पे रख देते हैं और उन्हें जाके बंद करते हैं। अभी मैं मार्केट गया था तो ये देखें, मैं वहाँ से बटेर ले आया और अभी अभी आया हूँ लेके, और मैं बताता हूँ ये चार बटेर लेकर आया हूँ। चार, एक बटेर है इसके अंदर और तीनों भैंसियाँ हैं, फीमेल्स हैं, ठीक है, एक मेल और तीन फीमेल हैं। तो अभी फिलहाल इन्हें खोलेंगे नहीं, तो इन्हें अभी यहाँ पर रख देते हैं इस जगह पर, ठीक है, ऐसे ही। तो पहले इन सबको दाना वगैरह डालें, उसके बाद इसे खोलेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी सबसे पहले बाजरा वगैरह पकड़ लेते हैं, जाके सब मुर्गों को बाजरा वगैरह डालते हैं। इन्हें मैंने रात को ऐसे कवर किया हुआ था, मेरे पास कोई बड़ा कपड़ा नहीं था, बस यही मेरे पास ये टॉवल है, ठीक है, और यहाँ से नीचे से वैसे ही रह गया था। तो अभी टॉवल को भी इसको हटा देंगे और इन सबको दाना वगैरह डालते हैं। इन सबको फीड वगैरह, क्या बाजरा वगैरह, खाना पीना, जो भी इनका दाना पानी है, पानी रहता है, दाना वगैरह मैंने डाल दिया। मैंने अभी इन्हें खोला, वो आएगा ना शान, तो फिर उसे हम थोड़ा सा तंग भी करेंगे और उसके बाद वो खुद ही इन्हें खोलेगा, ठीक है। तो अगर ना जल्दी आया तो इतनी देर बंद करना ठीक नहीं है, तो फिर मैं इन्हें खोल दूँगा। मेरा दिल है या इसके अंदर ही खोल दूँ, या खुला बाहर छोड़ूँ, या तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है, इसके अंदर छोड़ देंगे हम। तो अभी देखते हैं क्या करना है इनका। हमारी मुर्गी ने दो अंडे दे दिए हैं और इस चवल ने आज फिर बाजरा अपना सारा गिरा लिया। ये देखें, ये उल्टा पड़ा सारा बाजरा इधर गिरा हुआ है। तो अभी तक किसने, अभी हम अपने सब परिंदों को पानी वगैरह पिलाते हैं। पानी पिलाते वक्त तक अगर वो आ गया तो ठीक है, वो खुद ही खोल लेगा। अगर ना आया, पानी जब मैं डालूंगा इन्हें, अगर तब तक ना आया तो फिर हम खुद ही इन्हें खोल देंगे, ठीक है। जब वो आएगा हम उसे दिखा देंगे। अपनी फीड वगैरह खा रहे हैं, वो भी उधर खा रहा है, अभी तक मैंने इन्हें खोला नहीं है, ठीक है। अभी वगैरह डाल दिया, हर चीज़ हो गई है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। तो मेरा तो यही था कि मैं वो खुद ही आके खोले, उसका रिएक्शन चेक करना चाह रहा था कि कैसा रिएक्शन होता है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। तो इनको ज़्यादातर इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, गुनाह है। तो हम ऐसा करते हैं, हम खुद ही इनको ना, मैंने यही सोचा कि इसके अंदर ही ना इन्हें खोल देते हैं, क्योंकि मैंने सुना ये मिट्टी वगैरह में भी खेलते हैं, तो मिट्टी में खुश रहते हैं। अभी इन्हें इधर ही खोल दूंगा मैं, ठीक है, इधर ही मैं इन्हें खोलूंगा, और मिट्टी भी है यहाँ पे, तो किसी दिन हम इन्हें यहाँ पे भी खुला छोड़ के देखेंगे और देखेंगे ये कितना उड़ पाते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अभी इन्हें इधर ही खोलते हैं। हाँ जी, किधर, अच्छा जी, खोलो इन्हें, निकालो फिर बताओ मुझे कैसे लगे हैं। उधर उधर अंदर ही, अंदर ही खोलो, ये ना उड़ जाए वो यहाँ से, सही से खोलो इसे। तुम्हें क्या लगा था क्या लेकर आऊंगा, यही खोलो पीछे से, इधर से एक दरवाजा बंद करो ना ये वाला, जी तो ये लाया हूँ मैं। हाँ जी, दसो कैसे लगे, ठीक है। चार बहुत हैं, इसमें एक मेल है और तीन फीमेल है। तो वो कह रहा था ये अंडे भी देंगे, अब देखते हैं ये अंडे देते हैं या नहीं। ये देखें, जैसे ही खोला मिट्टी में, मिट्टी खाना शुरू हो गए, मिट्टी में खेलना शुरू हो गए, तो ये मिट्टी में खुश रहते हैं। अभी इन्हें बाजरा, अब बाजरा कौन डाले करेगा इसे, तो लाओ बाजरा फिर इनको डालो, खिदमत करो इनकी। ये देखें, ये तो फौरन ही खेलना शुरू हो गया इसमें, ये देखें कितने क्यूट से, छोटे छोटे से। मैं अपनी तरह से सही तरह अच्छे और बगैर वायरस वाला डालो इन्हें बाजरा, खाओ भाई। अंदर ना मच्छर भी बहुत है, ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को। स्प्रे दोबारा करनी पड़ेगी, अभी ये के थके हुए थे, अभी खेलना शुरू हो गए मिट्टी में, आहिस्ता आहिस्ता फिर डालूंगा। तो पानी किसने डालना, मैं। तो फिर लेके आओ। हाँ, अब अगर लेकर आए हैं तो फिर खिदमत तो करनी पड़ेगी ना। ये देखे पानी पीना शुरू हो गई ये वाली, दो। अब मुझे नहीं पता इनमें से मेल कौन सा और फीमेल कौन, एक मेल है, मेल का पता नहीं है कौन सा मेल है इसमें। इन्हें पकड़ो हाथ में, आते हैं। हाँ, मारा
ऐसे तो नहीं ना पकड़ते, सही से ध्यान से पकड़ो ना, नीचे से हाथ पकड़ो, नीचे से पकड़ो। हाँ चलो इन्हें घूमने दो, अभी ये देखें कितना खुश हो रहे हैं मिट्टी में आके, पता नहीं कभी लगे मिट्टी में गए ही नहीं है। देखें ये वाला सही से खेल, नीचे मिट्टी में बैठ के सही खेलना शुरू हो गया, वो भी शुरू, इसे देख के ये भी शुरू हो गया, वो भी शुरू हो गया, तीनों ही शुरू हो गए। एक ये रह गया बस, इसने ये भी इन तीनों को देख के ना ये भी शुरू हो जाएगा, वो देखें इसे। हमने इनका पानी वगैरह बाजरा वगैरह सारा अपनी जगह पे रख दिया, तो ये देखें ये पानी पी रहे हैं, अपना मिट्टी में भी खेल रहे हैं और दाना वगैरह भी खा रहे हैं। अच्छा लगा और अब सही संभालोगे हैं। फार्मी है तो इसलिए इतने तेज नहीं है, उड़ भी नहीं पा रहे इतना, और ये खा पी रहे हैं अपना। हाँ क्या क्या अंडा दे रहा है, को बाहर निकाल लो शान, इन तीनों को बाहर निकाल दो, वो अपना अंदर खा पी रहे हैं, तो चलो दोनों खोल दो, चलो तो? पानी वगैरह इन, ये देखें अभी इन सबको बाहर खुला छोड़ा, तो एक वो पिंजरे की दूसरी साइड पे भाग गया, वो उसे लेने गया, एक इधर है और ये इधर चला गया, और ये नीचे पिंजरे के नीचे जगह है, तो ये वहाँ पे मट्टी में खेल रहा है, तो छोटे छोटे से हैं और इन्होंने तंग भी बहुत करना, अगर ऐसे खुला छोड़ा ना तो तंग बहुत करेंगे, अभी वैसे ही खोला छोड़ा है तो ये उड़ते भी नहीं है। एक इधर चला गया ये भाई, और देख वो दोनों पिंजरे के नीचे जगह है थोड़ी सी जो सी, वो दोनों उसके अंदर चले गए, भी चला, कोई नहीं यहाँ से बाहर निकल आएंगे इस जगह से ना, चल लेकर पीछे कर। ये वाला उड़ने की कोशिश करता है लेकिन इतना नहीं उड़ पाता, ठीक है ये देखें अभी फिर को, ये देखें उड़ने का सोच, फीड देकर बंद कर दिया था, इसे मैंने बाजरा अंदर ही दिया है, ये जब फीड खा ली थी उन्होंने तब मैंने इन्हें अंदर बंद कर दिया था, तो तब मेरा आया था कि इन्हें मैं इधर खोलूंगा ये ना फिर ये आपस में लड़ाई वगैरह करे, तो अभी मैंने उन्हें अंदर ही बंद कर दिया। और तो कैंड करते हैं, उम्मीद का तो आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।